हमले को तैयार इजराइल, देखते रह जाओगे खामेनेई। एक अक्टूबर 2024 को भले ही ईरान ने इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दुनिया को चौंका दिया हो, लेकिन अब ईरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब ईरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है। इसराइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भयानक तैयारी चल रही है जिसके बारे में शायद ईरान को पक्के तौर पर पता नहीं है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से 50 मिनट तक बातचीत कर चुके हैं। इधर इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले की भनक मिलने के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नींद उड़ गई है। जरा देखिए इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने क्या कहा है। ईरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ। योव गैलेंट ने कहा कि ईरान पर इसराइल का हमला घातक और सटीक होगा और इस हमले की ईरान को भनक तक नहीं होगी। ईरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। योव गैलेंट का यह बयान इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है। सूत्रों की माने तो इसराइल ईरान के प्रमुख तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि हमले ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाने के लिए होंगे क्योंकि ईरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेल क्षेत्र है। इसके अलावा इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है। 50 मिनट में हुई सीक्रेट डील, उड़ा दो ईरान के एटमी ठिकाने। लगभग 100 घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिछले 120 घंटे में ईरान में आए भूकंप और परमाणु बम का परीक्षण के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है। इसीलिए बाइडेन और नेतन्याहू ने 50 मिनट तक फोन पर बातचीत के दौरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब ईरान को 200 मिसाइल हमलों का जवाब जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। התקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. התקפות האלה היו אגרסיביות, אבל התקפות האלה נכשלו כי הם לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים. भले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर दबाव बना चुका है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं करेगा, लेकिन जब से अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान ने भूकंप की आड़ में एटमी परीक्षण ही किया है, तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके एटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी झंडी दे चुका है, ऐसा सूत्रों के जरिए दावे किए जा रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि ईरान ने 5 अक्टूबर को क्या किया था। इसराइल के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच 5 अक्टूबर को ईरान के सिमनान प्रांत में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र कथित तौर पर सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे और एक ईरानी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के करीब था। ईरान के सिमनान प्रांत के कावीर रेगिस्तान में ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है, ऐसे अब दावे किए जा रहे हैं। भूकंप के समय और परमाणु सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। दावों के मुताबिक भूकंप का केंद्र सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे और एक ईरानी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के करीब था। भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठती हैं, ये लहरें वैसी नहीं थी। ये लहरें वैसी थी जैसी न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जमीन पर चलती हैं। इसीलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। ईरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एटम बम का टेस्ट किया है। यूनिट 9900 का वॉर प्लान, ईरान पर अदृश्य हमला। ईरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है जिसमें हवा और समुद्र के रास्ते सबसे बड़े भीषण हमले होंगे। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 और फतेह 2 ने इजरायली सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग सभी ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाए थे, लेकिन इसराइल के रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि ईरान का मिसाइल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं। जरा देखिए इसराइल डिफेंस फोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षा मंत्री योव गैलेंट क्या कह रहे हैं।
खबरों के मुताबिक इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बातचीत की है। दावा किया गया है कि ईरान पर जबरदस्त हमले का प्लान आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने बनाया है। आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने ईरान में तेल कुएं, एटमी ठिकाने, राष्ट्रपति भवन, खामनेई के घर पर हमले का प्लान बनाया है। इसके अलावा आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने ईरान के टॉप कमांडर पर हमले का प्लान बनाया है, जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का नेतृत्व किया था। खबरें ये भी हैं कि आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 का वॉर प्लान इतना जबरदस्त है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब ईरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि ईरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमीटर दूरी पर मौजूद ईरान पर हमला करना इतना आसान होगा, क्योंकि ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्टूबर को दावा कर चुके हैं कि ईरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है। लगभग 5 साल बाद हजारों ईरानियों के बीच में खामनेई ने ऐलान किया कि ये तो अभी इसराइल ने ईरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود اب ایسے حالات میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسرائیل ایران پر بھیشن حملہ کرنے کا جوکم اٹھا سکتا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق اگر اسرائیل حملہ نہیں کرے گا تو آنے والے 5-10 سالوں میں اسرائیل کا وجود ہی مٹ جائے گا اور اگر اسرائیل ایران کو تباہ کر دیتا ہے تو اسرائیل اگلے 10 سالوں میں پورے مڈل ایسٹ میں سپر پاور بن جائے گا।